स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल साथ निभाना सांतिया में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि अनंत को और गहना को दोनों ही खबर मिलती है। दूसरी तरफ सागर को पीट पीट के गहना उगलवा लेती है कि 6 बजे कोई प्लानिंग है माल रोड पर। तो दूसरी तरफ सागर का फोन अनंत के हाथ लग जाता है और वो उससे भी पता लग जाता है, क्योंकि कुमार से कॉल करता है और उस बता देता है कि कल 6 बजे मिलना है। दोनों को ही पता चल चुका है। तो दूसरी तरफ गहना कनक को लेकर घर पहुंचती है और उसे साफ कह देती है कि अब आगे जो भी करना है मैं कहूंगी वैसे ही करना है। कनक बुरी तरह गुस्सा होती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अनंत बहुत परेशान हो चुका है कि अब करे तो क्या करे, आगे की प्लानिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है और इस मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पर गहना कहती है कृष्णा को, देखना कल अनंत जी बेगुनाह साबित हो जाएंगे, कल मेरे को सारे सबूत मिल जाएंगे। वो सुबह होती है जहाँ पर वो मॉल रोड पहुंचते हैं, लेकिन वो सब कुछ कुमार की प्लानिंग होती है और वो फोन करता है कि सागर के फोन पर जो कि अनंत के पास ही होता है। और गहना उस फोन को लेकर कॉल रिसीव करती है और स्पीकर पर डालती है और कहती पूछती है पूछती कि कुछ भी बोलने से पहले वो बता देता है कि कुमार की दो खिलाड़ी इनको किस तरह से फंसाया गया है। और गहना और अनंत जहाँ पर जाते हैं पुलिस भी उनके साथ होती है, लेकिन पुलिस वहाँ पर कुछ सबूत नहीं मिलने की वजह से वहाँ से चली जाती है और कुछ चोर चुकों को पकड़ कर ले चली जाती है। और ये सब कुछ कुमार की प्लानिंग होती है ताकि दोबारा पुलिस उन पर विश्वास ना करे। और अनंत और गहना पर जाल डाल देता है और उन दोनों को बांध देता है उसी अड्डे पर। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि सुनवाई होने वाली अनंत के केस की उसी दिन, जहां पर गहना उस आतंकवादी को पकड़कर लेकर जाने वाली होती है, वो बुरके में होता है, लेकिन वो उसमें कोई और नहीं अनंत होता है। और गहना सबके सामने साबित कर देती है कि और बुरखे में उसे पता नहीं होता कि अनंत है, और वो कहती है कि यही आतंकवादी जो कुमार का साथ दे रहा था। जैसे वो बुरखा उठाती है उसमें अनंत होता है और ये देखकर सिया के और गहना के दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे गहना साबित करेगी कि अनंत आतंकवादी नहीं है और वो उसने खुद ही ये सब कुछ बक दिया है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे उसको बेगुनाह साबित करती है, क्या इसकी गलती का अब भुगतान गहना को अनंत को करना पड़ेगा और कैसे अब गहना सारे सबूत लेकर आती है। यानी कि कुमार ने एक बार फिर से बाजी पलटती है, लेकिन देखते हैं कि अब गहना इसका कैसे सामना करती है और अनंत को बेगुनाह साबित करती है।